अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हैं। मैं भी ठीक हूँ अल्लाह के शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी 2:10 बाकी है, तो मैं अभी बना रही हूँ आलू की भुंजी। और मैंने अभी तक खाना नहीं खाया रोज़े अफ्तारी के बाद। तो जैसे आप लोगों को पता है, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए इसबगुल का पानी बना रही हूँ, जो कि ये बहुत ही ठंडा होता है और पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आज मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि यहाँ पर मैंने आधा किलो प्याज काट के रखा हुआ है, 1 किलो आलू है, और यहाँ पर साबुत मसाला जैसे कि इनका पेस्ट बनेगा। तो ये सब मैं क्यों कर रही हूँ तैयारी, तो मैं ये भी आगे आप लोगों को बताऊँगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पर आलू वाश हो गया और मैं बनाऊँगी आलू सोया बड़ी का सब्जी सालन। यहाँ पर जो आपने देख रहे हैं, यहाँ चावल मेरा बना है, तो मैं ये सहरी करूँगी, सहरी की तैयारी कर रही हूँ। और अभी जो है ना, थोड़ा सा लाहौरी ज़ीरा जो है ना, ये भी पेट के लिए अच्छा होता है, ठंडा होता है। और दही मैंने खा चुकी हूँ, तो थोड़ी सी दही परे है, तो इसी से ना मैं अभी सहरी भी कर लूँगी। और ये गुजिया आधा खा के मैंने रख दिया, तो अभी ना सहरी का वक्त हो गया है, तो मैं ना सहरी कर लूँगी। और यहाँ पर देखिए, मैंने आलू को उबालने के लिए रख दिया है, और यहाँ पर पानी में रख दिया है मैंने सोया को। और टाइम देखिए 4:15 हो रहा है, तो मैं ना इनको उबालने के लिए अभी रख देती हूँ। ये बॉयल हो जाएगा तो मेरे लिए इजी हो जाएगा, तब तक मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ। तो सहरी हो चुकी है और नमाज़ भी आता हो चुका है। यार ये बड़ी देखिए फूल के बिल्कुल बड़ा बड़ा से हो गया था। अब मुझे अदरक लहसुन का जो पेस्ट है, इसको मैं बना लूँगी। तो अभी जो है ना, ये देख रही हूँ ये ख़राब हो गया, ये चल नहीं रहा, और देखिए पानी के साथ वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो अभी मैं हाथ से कुटाई करूँगी, क्योंकि अभी हो गया है सुबह। तो अभी बज रहा है 6 और मैंने इसी से कुटाई करके जो है ना ये सालन बनाना है, क्योंकि मुझे 12 से पहले सालन को तैयार करना है। उसका रीज़न मैं आगे वीडियो पर बताऊँगी, आप लोग वीडियो पर एंड तक बने रहिए। तो ये जो प्याज कटा हुआ था ना, तो ये देखिए यहाँ पर बड़ी भी जो है फूल चुका है। और अभी मैंने तैयार कर देती हूँ सालन। तो अभी मैंने गैस को कर लिया ऑन, और ये 1 किलो की जो पतीला है इसी में बनेगा। और मैंने तेल को भी गर्म के लिए रख दिया है, तो अभी मैं प्याज को जो है ना फ्राई कर लेती हूँ। तो अभी ना सुबह हो गया है, और मैंने आज सहरी के बाद नमाज के बाद सोया नहीं है, क्योंकि मुझे दिमाग में था कि ये सालन मुझे 12 से पहले तैयार कर देना है, क्योंकि अगर मैं सो जाती और मैं टाइम पे नहीं उठ पाती तो ये बहुत बड़ा रिस्क हो जाता, इसलिए मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने अभी तैयार कर दी थी। लेकिन मेरा नसीब ऐसा है, एंड वक्त से जो मेरा जो ग्रैंडडैड है वो मुझे धोखा दे दिया, तो अभी ये नहीं पता ये सालन जो है वो कैसे बनेगा। बस नीयत अच्छा रखती हूँ और अल्लाह से यकीन रखती हूँ, अल्लाह से दुआ मांगती हूँ, तो यकीन करती हूँ ये अच्छे से बनेगा। ये मसाला को मैं ऐड कर देती हूँ। और आप लोगों को लग रहा है कि अभी तो सहरी के बाद मैं ये सालन क्यों तैयार कर रही हूँ, तो इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। वीडियो के एंड तक आप लोगों को फाइनली पता चल जाएगा कि ये सालन मैं सहरी के बाद बनाने के लिए स्टार्ट क्यों कर दिया। तो आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आप लोगों को जैसे पता है कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई इस बार, मुझे वोमिटिंग भी हुआ है, तो लेकिन इसका मतलब हरगिज़ नहीं कि मेरा कोई रोज़ा कज़ा हुआ है। अल्लाह के शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज 23 रोज़ा कंप्लीट हो चुका है, और 24 रोज़ा भी लग चुका है, लेकिन मेरा कोई भी रोज़ा अभी तक कज़ा नहीं हुआ आए ना ही होगा। तो आप लोग देखते रहिएगा एंड तक, मैं अपने अल्लाह की हुकुम से 30 रोज़ा मैं मुकम्मल कर दूँगी हर साल की तरफ, अतरावी भी। तो ये सब कुछ नियत पे ही होता है, अगर आपका नियत साफ़ है और आप वो दिल से करना चाहो, और आप दिल से करना चाहते हैं, तो अल्लाह ताला आपकी उस नियत पे कून कह देते हैं। तो अभी मैं गरम मसाला को ऐड करूँगी, और ये देखिए सालन जो है ये बहुत अच्छे से तैयार हो रहा है, लेकिन मसाला जो है वो मैंने कूट के बना रही हूँ, और ये लाइफ में मेरा पहली बार ऐसे बिना ग्राइंडर के बन रहा है। ये तो अल्लाह को पता है कि मेरा कैसा बनेगा, लेकिन मुझे अल्लाह के साथ पे यकीन है कि बहुत अच्छा बनेगा, क्योंकि नियत साफ़ होना चाहिए, और जो है ये हम दिल से कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर ना सालन को तैयार कर दूँगी, देन उसके बाद 4-5 घंटे के लिए सो लूँगी, क्योंकि मुझे 12:30 तक उठ जाना है।
उसके बाद ही बाकी काम होगा, तो वो सब कुछ भी आपको वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। तो अभी ना लाइट चला गया है और अभी मैंने जो इमरजेंसी लाइट है उसको ऑन कर दिया और मैं इसी अंधेरे में इमरजेंसी लाइट के सहारे मैं बना रही हूँ, क्योंकि कैमरा भी तो चल रहा है वीडियो का। तो ऐसी तरह से इंसान को सब कुछ करना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह लाइट भी आ गया है और जो है ये सालन भी तैयार हो चुका है। तो इसका कलर देख सकते हैं, ग्रेवी भी बहुत अच्छा बना। और 1 किलो सालन तैयार करना कोई आसान बात नहीं होता है, जिसका खाना बनाने का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है उनके लिए ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है। तो एनीवे मेरा फाइनली बन चुका है अल्लाह के शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और लाइट भी आ चुका है। बस अभी जो है ना इसको मैंने ढकना है, इसको ढक के मैंने 2 मिनट के लिए और इसको थोड़ा सा पका लेती हूँ। देन देखिए इसका ही उबाल आ चुका है और इसका रंग भी आप देख सकते हैं कैसे बना है। तो अभी मैंने जो धनिया को कूट के रखा था उसको मैंने ऊपर से जो है ना इनको गार्निश कर देती हूँ। देन जो है ना अब ऐसे देखिए कैसा लुक आ रहा है। तो अभी मैं इसको कर दूँगी बंद और जाके मैं सो जाऊँगी। आप लोग को टाइम भी दिखा देती हूँ, 8:20 हो रहा है और अभी मैं सो गई हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उठ गई, 3:30 बज रहे हैं, मुझे 12:30 बजे नहीं जाना था और ये खाना ले लिया। और अभी हम चल रहे हैं क्योंकि फाइनली हमें पहुँचना है और हम निकल चुके हैं। तो वो ना एक्चुअल वो भाई की वजह से लेट हुआ, जिस भाई को मुझे ले जाना था। और ये मार्केट है और बिल्कुल ये दरगाह है और यहाँ पर कुछ फ़कीर होती हैं और यहाँ पर हमें खाने को तस्मीन करना था। और मैंने रोटी होटल से ले लिया, उसका क्लिप भी जल्दी के लिए बना नहीं पाए। तो ये सब जी फाइनली खाना तस्मीन हो चुका है और हम अभी निकल रहे क्योंकि मैंने जहर की नमाज़ पढ़ के नहीं निकली थी। और अभी 4:15 बज चुके हैं, तो 4:45 तक ही जहर का टाइम है। तो अभी मैं जल्दी जा रही हूँ घर। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुंच चुकी हूँ और ये ना थोड़ा सा सालन बच गया था बांटने के बाद और मेरा गोश्त भी आ गया। तो मैं अफ्तारी के बाद मिलती हूँ। तो अभी ना मैं तैयार कर रही हूँ अफ्तारी, मैंने जहर पढ़ ली थी और यहाँ पर मैं चिकन को फ्राई कर रही हूँ। अफ्तारी का टाइम हो गया है और इसके साथ जो है ना मैं चिकन फ्राई करने के साथ साथ थोड़ा सा ही पकौड़े बना लूँगी क्योंकि आज ये बहुत टायर्ड हो गई हूँ। एक ही साथ जहर, उसके बाद असर भी मुझे पढ़ना पड़ा है। तो अभी जो थोड़ा सा मुझे बनाना है सिर्फ रोज़े अफ्तारी के लिए। और आज का वीडियो जो कैसे लगा है आप लोग बताइएगा। मेरा रोज़े अफ्तारी तैयार हो गया, तो रोज़े अफ्तारी के बाद आप लोगों से मैं मिलती हूँ। तो यहाँ पर आप टाइम देख सकते हैं, 6:30 हो गया, 6:45 का टाइम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े अफ्तारी हो गया है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।